जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एकदम जर्जर बूढ़ा, तब तू क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से अचानक गिर जाए, या फिर मैं सब्जी की कटोरी उलट दूं टेबल पर, मैं तब बहुत अच्छे से नहीं देख सकूंगा ना? मुझे तो चिल्लाकर डांटना मत प्लीज। बूढ़े लोग सब समय खुद को उपेक्षित महसूस करते रहते हैं, तुझे नहीं पता। एक दिन मुझे कान से सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। एक बार में मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि तू क्या कह रहा है, लेकिन इसलिए तू मुझे बहरा मत कहना। जरूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वो बात कह देना, या फिर लिख ही देना कागज पर। मुझे माफ कर देना, मैं तो कुदरत के नियम से बुढ़ा गया हूं, मैं क्या करूं बता? और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तब तू थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठ खड़ा होने में क्या मेरी मदद नहीं करेगा? बोल ना, जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह। कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं बकबक करता रहूंगा, तू थोड़ा कष्ट करके सुन लेना। मेरी खिल्ली मत उड़ाना प्लीज, मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है तुझे बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी देर तक बुनबुन करता रहता था, जब तक मैं तुझे वह खरीद ना देता था? याद आ रहा है तुझे कुछ? हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी माफ कर देना, मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है बेटा। तब नहाने के लिए मुझसे जबरदस्ती मत करना, मेरा शरीर उस समय बहुत कमजोर हो जाएगा, जरा सा पानी लगते ही ठंड लगने लग जाएगी मुझे। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना प्लीज। तुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तू विश्वास कर, बुड्ढों को ऐसा ही होता है। हो सकता है एक दिन तुझे ये सब समझ आए, हो सकता है एक दिन। तेरे पास अगर समय रहे तो हम लोग साथ में बैठकर गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? भले ही कुछ एक पल के लिए, क्यों ना हो। मैं तो दिन भर ही अकेला रहता हूँ, अकेले मेरा समय नहीं कटता। मुझे पता है तू अपने कामों में बहुत व्यस्त रहता है, मेरा बुढ़ापा जो है बहुत अजीब हो गया है। मेरी बुढ़ा गई बातें तुझे सुनने में अच्छी ना लगेंगी, तो भी थोड़ा मेरे पास रहना। तुझे याद है मैं कितनी ही बार तेरी छोटे गुड्डे की बातें सुना करता था, सुनता ही जाता था और तू बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी ही कहानियां सुनाया करता था, क्या तुझे याद है? एक दिन आएगा जब बिस्तर पर पड़ा रहूंगा, तब तू मेरी थोड़ी देखभाल करेगा ना? मुझे माफ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूं, अगर चादर गंदी कर दूं। मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत रहना प्लीज। जब समय हो जाएगा मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी में भर लेना, मुझे थोड़ी हिम्मत देना ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे सृष्टा दिखाई दे जाएंगे, उनके कानों में फुसफुसाकर कहूंगा कि वे तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाए, कारण कि तू मुझसे प्यार करता था। मेरे बुढ़ापे के समय तूने ही तो मेरी देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ रे, तू खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भला, क्या दे सकता हूँ।
एक पिता की चिट्ठी अपने बेटे के नाम।